आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। फाइनली रीट के जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए गए हैं। अब देखिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है वो सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो देखिए सबसे पहले आपको जो है अपना गूगल ब्राउज़र ओपन करना है और वहाँ पर सर्च करना रीट BSER 2022। देखिए ये जो है रीट 2022 की ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही आप ये सर्च करेंगे पहले नंबर पर जो वेबसाइट आएगी www.reitbsr2022.in यही ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको इसी के ऊपर जो है क्लिक करना है। इसके अलावा आप फालतू की दूसरी वेबसाइट के चक्कर में ना पड़े। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि साइड में जहाँ पर लिखा हुआ है रीट 2022 उसके नीचे लिखा हुआ है डाउनलोड एडमिट कार्ड। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। वो आपको चाहिए होगा यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। अब देखिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वैसे तो पहले ही पता होगा क्योंकि जब एग्ज़ाम सिटी की जो लोकेशन आपको बताई गई थी एग्ज़ाम सिटी उस दिन भी आपने रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डाले होंगे। सो मैं यहाँ पर सिंपली जो है एक रजिस्ट्रेशन नंबर एक कैंडिडेट का है वो यहाँ पर डाल लेता हूँ। और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद में आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। सो मैं यहाँ पर सिंपली इस कैंडिडेट की जो है डेट ऑफ बर्थ वो भी सेलेक्ट कर लेता हूँ 2001। और देन आपको यहाँ पर अपना कैप्चा कोड जो है वो फिल करना है। ये PY आगे क्या है FGM। जैसे ही आप ये कर लेते हैं उसके बाद में आपको जो है नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। और लगता है यहाँ पर मैंने जो है कैप्चा कोड में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है। मैं एक बार दोबारा से इसको फिल कर लेता हूँ। देखिए जैसे आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया है उसके बाद में जो है यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड एकदम से खुल जाएगा। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो है आपके यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर नेम एंड एड्रेस आपको यहाँ पर दिखा देगा कि कहाँ पर जो है आपका एग्ज़ाम लगने वाला है। उसके नीचे जो भी गाइडलाइंस है इनको एक बार आप आराम से पढ़ लीजिएगा। इसके ऊपर वैसे हम लोग प्रॉपर वीडियो बना देंगे कि आपको जो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने और किन किन गाइडलाइंस का जो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए अब इसको आप जो है डाउनलोड कैसे करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ ऊपर ऊपर क्लिक हियर टू प्रिंट रीट एडमिट कार्ड। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करते ये आ जाएगा। देन आपको जो है यहाँ पर सेव एज PDF यहाँ पर जो PDF का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड देन इसकी फाइल की लोकेशन आप सेलेक्ट करके इसको सेव कर लीजिएगा। सो दोस्तों यही सारी प्रोसेस थी। इसकी सारी गाइडलाइंस और रीट से संबंधित और भी जानकारियों के लिए आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को और पल सेलेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू।